दोस्तों, अगर आप भी एक यूट्यूबर तो आपको भी अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए अच्छे थंबनेल बनाने की जरूरत पड़ती होगी, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं कि आपका थंबनेल अगर अच्छा होगा तभी आपके वीडियोस पर अच्छे खासे व्यूज आएंगे। दोस्तों, अच्छे थंबनेल बनाने के लिए आपको कई सारे पीएनजी की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपको फोटो का पीएनजी या फिर किसी भी चीज़ का पीएनजी जो आप थंबनेल में लगाना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों का पीएनजी की जरूरत आपको पड़ती होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से पिक्सल लैब एप्लीकेशन से ही कई सारे पीएनजी को तैयार कर सकते हैं। किसी भी फोटो का पीएनजी आप मोबाइल से ही पिक्सल लैब से तैयार कर सकते हैं। तो आज के वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत और आप देख रहे हैं सुजीत के वीडियोज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप हमारे वीडियोज को वॉच कर सके। तो अच्छे से समझाने को मिल सकता है मोबाइल स्क्रीन पे, और मोबाइल स्क्रीन में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप मोबाइल से पिक्सल लैब से किसी भी फोटो का पीएनजी कैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पे और यहाँ मैंने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। आप भी अपने मोबाइल में पिक्सल लैब को ओपन कर लीजिएगा और इसके बाद यहाँ देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ जो न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको इसे डिलीट करना है। तो यहाँ पर मैं डिलीट पर क्लिक करूँगा, इसके बाद ओके कर दूँगा तो ये ऑप्शन हट जाएगा। इसके बाद ऊपर में देखिए प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, आपको इसमें क्लिक करना है और यहाँ फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आप उस फोटो को इंसर्ट कर लीजिए जिस फोटो को आपको पीएनजी में कन्वर्ट करना है या फिर क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं अपने गैलरी से एक फोटो ले लेता हूं, इसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूं। तो दोस्तों, ये फोटो अपने गैलरी में ले लूँगा और फोटो में क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे क्रॉप भी कर सकते हैं इस तरह से, तो मैं इसे क्रॉप करता हूँ हल्का सा ऊपर से हल्का सा नीचे से। इसके बाद आपको टिक के निशान पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपके सामने फोटो आ जाएगा आपका पिक्सल लैब ऐप में, और यहाँ से आप इसे बीच में कर लीजिए और चाहे तो आप साइज भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। और इसके बाद चौथे नंबर पे देखिए एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है राइट साइड में, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको ट्रांसपेरेंट में क्लिक करना है ताकि जो बैकग्राउंड का कलर है वो हट जाए। इसके बाद दोस्तों आप क्या करना है, आपको बीच में आना है देखिए इस जगह पर थर्ड वाले ऑप्शन पर, और यहाँ आने के बाद सबसे नीचे जाएंगे आप, और सबसे नीचे जाने के बाद थोड़ा सा ऊपर आना है, और ऊपर आने के बाद देखिए यहाँ पर आपको इरेज कलर का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इसमें क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए इनेबल का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आपको इनेबल कर देना है, और इनेबल करने के बाद यहाँ पर देखिए पिक कलर का ऑप्शन रहा है, यहाँ पे पिक कलर पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको बताना है कि किस कलर को आपको रिमूव करना है। तो आपके फोटो में जो बैकग्राउंड का जो कलर है आपको उसमें टच करना है कहीं पर भी, जैसे मैं यहाँ पे टच करूंगा तो यहाँ पे देखिए ये जो कलर है ये एक बार ले लेगा कि बैकग्राउंड का जो कलर है इसे आपको रिमूव करना है, तो आपको बैकग्राउंड कलर में टच कर देना है। चाहे तो आप यहाँ पर कर दीजिए या फिर यहाँ पर कर लीजिए, कहीं भी कर लीजिए, बस आपको वो कलर डिफाइन कर देना है जिस कलर को आपको रिमूव करना है। इसके बाद आपको टिक के निशान पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए फोटो का बैकग्राउंड बिल्कुल हट चुका है, और आप चाहें तो यहाँ से स्मूथ एज भी कर सकते हैं अगर आपका एज में कोई प्रॉब्लम है या फिर एज में कोई कलर रह गया हो। और इसके बाद आपको टिक के निशान पे क्लिक करना है। इसके बाद आप चाहें तो बैकग्राउंड में कोई कलर भी लगा सकते हैं। देखिए मैं कलर पर आता हूँ, कलर पर आने के बाद यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड में कलर लगा सकता हूँ, जैसे कि ब्लैक या फिर व्हाइट या फिर कोई भी कलर आप बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिएगा वैसे ही मैं ब्लैक में आता हूँ, और यहाँ पर देखिए जो बाल के बगल में दिखाई दे रहा है या फिर शर्ट के बगल में आपको किनारा जो है जो एज है उसमें थोड़ा थोड़ा कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसे हटाने का करना आपको बैक आना है। बैक आने के बाद वापस से उसी ऑप्शन में आएंगे, यहां मैं दिखाता हूं आपको इरेज कलर पे आना है, और यहां पे देखिए टॉलरेंस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इसे प्लस माइनस करके या फिर स्मूथ एज करके यहां पे देखिए इसे एडजस्ट करना होगा खुद से ही, ताकि आपका जो किनारे का जो कलर है वो भी बिल्कुल हट जाए, कोई भी कलर इसमें नहीं रहे। तो यहां पर आप दो तीन पॉइंट बढ़ा के आप देख लीजिएगा, आपका एज बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। इसके बाद टिक के निशान पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको इस फोटो को सिंपली सेव करना है पीएनजी फॉर्मेट में, और इसके बाद किसी भी थंबनेल में आप फोटो को या फिर किसी भी चीज का पीएनजी को क्रिएट करने के बाद अपने थंबनेल में आप यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने मोबाइल से पिक्सल लैब से किसी भी फोटो का पीएनजी को क्रिएट कर सकते हैं और अपने थंबनेल में यूज कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले हमारे वीडियोज को आप वॉच कर सके। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।